इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक शेयर को लेकर, यानी फुल एनालाइज करेंगे। सोमवार का टारगेट क्या हो सकता है, सोमवार में यह स्टॉक फिर से गिरावट करेगा या ऊपर सटीक लगेगा, इसके बारे में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की स्टॉक में इसने जो ऑल टाइम हाई किया था 157 का, उसके बाद ही ओला की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। कल अगर बाज़ार खुलते इसका जो 85 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अगर पार करता है तो स्टॉक में 1% या 2% का तेज़ी आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इसने जो ऑल टाइम हाई किया था वो तो उसको पार करेगा एक ना एक दिन। अगर आप इस स्टॉक को 2 साल, 3 साल या फिर 5-6 सालों के लिए होल्ड में करेंगे तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसका टारगेट आप रख सकते हैं 400 का। देखो दोस्तों, ऐसा भी इन्वेस्टर है कि बहुत लोगों ने पर्सनल लोन लेकर इन्वेस्ट किया है, आज उनका इन्वेस्ट का कैपिटल 30% लॉस में चल रहा है। अगर आपने ऊपर के लेवल में इसको बाय किया है, जैसे 120, 140 एंड 150, अगर आपका लॉस हो रहा है तो होल्ड करो। अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आपको अच्छा गोल्ड भी दे सकता है। देखो दोस्तों, ओला की फ्यूचर बिजनेस है इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाला है। जब आ जाएगा तब इसका 2000 का एक शेयर का वैल्यू भी हो सकता है। तो दोस्तों होल्ड कीजिए लंबे समय तक। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, होल्डर सलाह के लिए नहीं है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपना राय बताना कि वीडियो कैसा लगा।